ऑनरेबल स्पीक, ऑनरेबल चेयरमैन सर, मेरा समय उसमें ना जाए मैं ये जानना था। आप बोलिए तापिर जी, आप बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर, तापिर जी का रिकॉर्ड में जाएगा, तापिर जी का रिकॉर्ड में जाएगा। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं इस बजट को समर्थन करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज दो दिन हुआ ये बजट को मैं सुनते आया। चेयरमैन सर, मैं दो दिन का बजट क्षेत्रों को सुन के मैं होश खो गया था। जब आप मेरा नाम लिया मैं होश में आ गया हूँ। चेयरमैन सर, ये बजट, इसमें हमको टिप्पणी करने का या इसमें कोई एडिशन करने का नहीं है। हमारा नेता, देश का लोकप्रिय नेता मोदी जी का चेहरे पे मैं देखता हूँ, यही वर्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है। इसलिए इनके और जुड़ने का मुझे ये नहीं है। मेरा ऑनरेबल फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री निर्मला जी का पॉलिसी में, इसी में मैं देखता हूँ, यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है, यही दुर्गा माँ है। और ये देश को आगे ले जाने का एक रोड मैप बनाया है। इस रोड मैप, 8 लेन रोड मैप में कोई दूसरा पार्टी ड्रिल हो जाता है या बतक जाता है, हम उसको सहायता नहीं दे सकता। लेकिन चेयरमैन सर, आपका गरीब गांव, गरीब किसान, वोमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप तक 1 लाख पहुंचाने का, युवा पावर विथ स्किल डेवलपमेंट और किसानों को साथ देने का, और 5 ट्रिलियन तक हमको जाने का, और साथ में गगनयान तक बजट बनाने का और चंद्रयान तक बजट बनाने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। इससे और बढ़िया बजट इस देश में कभी होगा ही नहीं और हुआ भी नहीं है। और चेयरमैन सर, लेकिन मैं एक बिंदु को मैं आपको बताना चाहूँगा। हम सब मनुष्य हैं, हमारा दो आँखें हैं, इस दो आँखें से हम दुनिया को देखता है, अच्छाई देखता हो, बुराई देखता हो, लेकिन हमारा दो आँखें के नीचे हमारा जो नाक है, ये दो आँख भी दिखाई नहीं देता। इसी तरह इस ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन जाने तक, गगनयान और चंद्रयान तक जाने तक ये बजट बनाते समय कहीं सूत हुआ होगा, इसलिए मैं उस बिंदु में सीधा जाता हूँ। चेयरमैन साहब, देश का सुरक्षा खतरे में है, ये सुन के आपको भी आश्चर्य होगा। मैं कश्मीर से लेके अरुणाचल तक जितना इंटरनेशनल बॉर्डर में घुमा हूँ, पीएमजीएसवाई का आज बात हुआ, हर गांव में रास्ता पहुँचना चाहिए। लेकिन आरडी डिपार्टमेंट ने ये कानून बनाया है, जहाँ लेस देन 250 पॉपुलेटेड बस्ती में, गांव में सड़कें आप पीएमजीएसवाई नहीं बना सकता है। इसका वजह से देश का खतरा इसमें है कि हम चाइना बॉर्डर से जुड़े हैं, कश्मीर से लेके, जहां 250 पॉपुलेशन कम है, वहां सड़कें नहीं बनाएंगे, वहां रहने वाले, वहां के वासी अपना बच्चों का पढ़ाई के लिए, अपना शरीर का इलाज के लिए शहरों में, गांव, टाउन में चला जाता है। देट बिकम नो मैंस लैंड, जहां हर साल चाइना आके वहां बसते हैं। तो इसलिए इस पीएमजे कानून को मैं वित्त मंत्री से कहूंगा, इसको रिव्यू करना जरूरी है। जहां बॉर्डर एरिया में सड़कें बनाने का जगह, आप हम सड़कें बनाने का कानून वहां जुड़ा नहीं है। और साथ में आज आप देख लीजिए, इंडिया और चाइना का बीच में अरुणाचल हमेशा सैंडविच बनता है। कारण ये है, चाइना का ऑब्जेक्शन के वजह से आज अरुणाचल में आप ने वर्ल्ड बैंक से, आप एडीबी बैंक से, जितना ब्रिक्स बैंक से 1 रुपया भी नहीं पहुंचा दिया जाता है। मैं पहले भी एक बार यहां बोला हूं, मनमोहन सिंह सरकार समय में ये भारत सरकार हमको ये आश्वासन दिया था,
बोले वर्ल्ड बैंक से मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं अपना बजट अलग से अरुणाचल के लिए मैं बनाऊंगा, ये आश्वासन मनमोहन सिंह सरकार में दिया था। मैं वित्त मंत्री मैडम को ये कहूंगा, अरुणाचल के लिए वर्ल्ड बैंक ना सही, आप ADB बैंक ना सही, ब्रिक्स बैंक ना सही, इसका कॉम्पेंसेटरी ग्राउंड में अरुणाचल के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देना जरूरी है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ एकदम। आज मैं इसलिए होश में आया हूँ, प्रधानमंत्री का टॉयलेट अरुणाचल पहाड़ी तक पहुँचा है, लेकिन एक ऐसा जगह है सिंगा, वित्त मंत्री जब डिफेंस मिनिस्टर था, साइना ने 2 किलोमीटर इनसाइड अरुणाचल में रास्ता सड़के बनाया था। वहाँ एक गांव है जहाँ सीमेंट एक बैग का कीमत है 6000, नमक का दाम एक केजी का दाम है 150, और एक जगह है विजयनगर जो बर्मा से ये बॉर्डर है, उसमें 7000 है सीमेंट एक बैग का और नमक एक किलो का 200 रुपीस है। इस जगह का हम क्या करें? इसके लिए आपका बजट 5 ट्रिलियन में इसको भी जुड़िए, जहां आज का दिन नमक 1 केजी में 200 रुपया है, इसको साथ में मैं अरुणाचल प्रदेश से सरकार ने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, UPA सरकार को भी, NDA को भी आज यही मैं मांग करूंगा, अरुणाचल प्रदेश एक ये पनिशमेंट पोस्टिंग डेस्टिनेशन है। आज अरुणाचल प्रदेश 32 ईयर्स है स्टेटूट मिलने का, लेकिन आज तक आगमू केदार में यूनियन टेरिटरी केदार का IS IPS ऑफिस वहाँ पनिशमेंट पोस्टिंग का डेस्टिनेशन दिया जाता है। सीनियर IS ऑफिसर है तो वहाँ 2 साल का, जस्ट 1 पॉइंट, सीनियर IS ऑफिसर वहाँ बेचता है 2 ईयर्स के लिए, और जूनियर IS ऑफिसर बेचता है 2.5 ईयर्स के लिए। वहाँ अरुणाचल प्रदेश को डेवलपमेंट करने का, अरुणाचल प्रदेश में ध्यान देने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, इसलिए जस्ट वन सेकेंड। तो इसलिए मैं अपना सरकार से इतना बढ़िया बजट बनाने वाला को, हमारा गोगोई भाई इधर बैठा है, हर साल ब्रह्मपुत्र में प्लाट, जब से स्वाधीनता मिला ब्रिटिश जमाने से लेके ब्रह्मपुत्र प्लाट अरुणाचल से बारिश आके हर ये से आता है, वहाँ का सारा पैसा किसी ने एनकेस कर रहा है, ब्रह्मपुत्र को दे ये वाटर मैनेजमेंट। श्री ओम राजे जी, सभापति महोदय।